तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या दिया हुआ है, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इसको इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 8x + 4 लगाएंगे इसमें, इसको वैसे मतलब रखेंगे इसको। अब क्या होगा, 3x, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था राइट, तो उसमें क्या था, 3 × x करना है, 3x माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव में प्लस माइनस माइनस, 3 1s है विल बी 3 + 1। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 8x, ओके यहाँ पे 8x है, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को लाइक टर्म्स है x x राइट, तो इसको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा इसमें, माइनस 3x = यहाँ पे इसको फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस 3 बचा प्लस 7 एंड द प्लस 4 विल बी माइनस 4। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो 8 माइनस 3 विल बी हाउ मच, 5x। नाउ माइनस प्लस विल बी माइनस, द आंसर विल बी हाउ मच, 4 - 4। ठीक है, 7 - 3 = 4। सो यहाँ पे क्या होगा, x = दिस वन विल बी 0 एंड यहाँ पे इंटू ए डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 0 आया। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अच्छे से फिर से देखते हैं इसमें, 3x, 3 1s are 3। ओके, इसमें क्या हुआ, प्लस था तो प्लस 7 लगाया इसमें, है ना, यहाँ तक आया समझ में, अच्छे से ध्यान से देखो। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उसको इस साइड लेके आए हम लोग, है ना, 8x - 3x = यहाँ पे माइनस 3 को वैसे ही रखा, प्लस 7 को वैसे ही रखा, ये जो प्लस का 4 था उसको हम लोग ने इस साइड लेके आए, तो क्या हो गया, वो माइनस बन गया। तो अब क्या हुआ, 8 - 3 = 5x, है ना, 5 होगा, 5x = अब माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 7 - 3 आंसर विल बी व्हाट, 4, और यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, 7 ग्रेटर है, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख गया यहाँ पे करेक्ट, तो 4 - 4 विल बी 0। तो हमें पता है 0 से कुछ भी डिवाइड करो, इंटू करो, क्या होता है, आंसर विल बी 0। ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x, नाउ वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x टू दिस इक्वेशन, ओके, और चेक करेंगे यहाँ पे ये सही हुआ कि नहीं। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 0 + 4 = 3 है, ना यहाँ पे x = 0 - 1 + 7, तो 8 0 इंटू करने से 0 ऑब्वियसली 0 ही होने वाला है ना, तो यहाँ पे सीधा मैं 4 लिखूंगा, क्योंकि 0 8 0 0 होता है, तो 0 + 4 कितना होगा, 4 ही होगा राइट, तो 4, और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 0 है यहाँ पे, चलो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे 0 - 3 + 7 खत्म। अब यहाँ पे 4 = अब प्लस माइनस क्या होगा, ये 0 तो छोड़ दो, तो अब -3 है और +7, माइनस प्लस हाउ मच माइनस, तो 7 - 3 हाउ मच, 4 राइट, तो यहाँ पे ग्रेटर बड़ा कौन है, 7 है, 7 क्या के कौन सा साइन है, प्लस है, सो आंसर विल बी इन पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 4। Hence, यहाँ पे क्या आया हम लोगों का, LHS = RHS means the value of x, sorry, इसमें थोड़ा सा हिल गया कैमरा, एक्चुअली इसका जो लेंथ है ना वाई पे थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए मतलब खींच जाता है, वो कैमरा का पोजिशन हिल जाता है, सो आई होप दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो क्या होगा, तो x का वैल्यू जो आया जी वो सही है, हम लोग ने आंसर भी चेक कर लिया, ठीक है, एंड आवर आंसर इज करेक्ट, LHS = RHS is verified, क्लियर। अब जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे है क्या क्या दिया हुआ है, x = 4/5 ब्रैकेट x + 10 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे क्या x का वैल्यू निकालेंगे फटाफट, x = सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लो, ठीक है, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही है, तो इससे इसको इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 4x / 5 प्लस 4/5 इंटू क्या होगा 10, तो कितना हो जाएगा, कर ही लेते हैं पूरे स्टेप्स में, ठीक है, तो x = 4x/5 + 4, इसको काट देते हैं, उसमें कितना हो जाएगा, 4 2 8, सो वी हैव नाउ, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, 5 होगा, अब 5 5 1 5 हो तो 1 को इंटू करें 4x के साथ, 1 4x 4x + अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 को इससे इंटू करने से 5 आएगा, 5 से तो 5 को इंटू करेंगे 8 से, 5 8 = 40, तो वी हैव नाउ x = 4x plus
40 सॉरी हाँ यहाँ पे ये डिवाइड में है ना, देखो ये डिवाइड में है 5, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं आगे 5 लिख देता हूँ अच्छे से। ओके 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40, ठीक है, तो ये डिवाइड था 5, तो इस साइड आ गया तो इनटू हो गया। नाउ वी हैव 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40। अब लाइक टर्म्स दिख रहा है तुम्हें, देखो ये 5x है और ये 4x है, तो इसको अभी क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे 5x -4x इक्वल्स टू, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव में है 4x, तो यहाँ पे आने से क्या होगा, माइनस में होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे पॉजिटिव 40 है। ओके तो हाउ मच कितना होगा, 5 -4 will be 1, सो x इक्वल्स टू 40, तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग के पास, 40 आया। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x टू दिस इक्वेशन एंड वी विल चेक आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके तो यहाँ पे करेंगे तो x इक्वल्स टू 40 आया, तो यहाँ पे नाउ पुट x इक्वल्स टू 40, अभी x 40 इक्वल्स टू 4 बाय 5x, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा, 40 होगा, प्लस 10, ये 40 होगा हैंडराइटिंग को, चलो 40 इक्वल्स टू 4 बाय 5 इनटू, क्या हो रहा है यार इसमें, हाँ सही आ रहा ना। ओके 40 प्लस 10 कितना होगा, 50 होगा, 50 तो सब आठ है, 5 1 5 5 10 50, देन 40 इक्वल्स टू 4 10, जा हाउ मच 40, ऑब्वियसली 40, सो नाउ वी हैव 40 इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब क्या होता है, आवर आंसर इज करेक्ट, जो हमारा वैल्यू आया x इक्वल्स टू 40 इज करेक्ट। तो अभी जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो, चलो 8 वाला अभी करते हैं। सो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का एलसीएम ले लेते हैं 3, सो 2x 3 1 3, तो 1 को इंटू करेंगे न्यूमरेटर से तो उतना ही आएगा, आप नीचे कुछ नहीं, 1 तो 1 3 3 होता है, तो उस 3 को इंटू करेंगे 1 से, कितना होगा 3, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे भी 15 होगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब तो 1 होता है ना, तो 1 15 15, तो 15 1 15, तो 1 को इंटू करेंगे 7x से, तो 7x आ गया, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को इससे इंटू करने से 15 आएगा, ऑब्वियसली 15, तो 15 3 से कितना होगा, इंटू करो 3 5 15, 1 3 1 45, क्लियर है। चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, इसको तो अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे तो ये प्लस नहीं होगा, बिकॉज ये 2x है और ये 3 है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है, तो हम लोग अनलाइक टर्म्स को कभी एड माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं होता है, ठीक है, तो इसको इस साइड लेके जाते हैं ना 15, अब ये डिवाइड में है तो इस साइड क्या होगा, इंटू हो जाएगा 2x + 3 = अब 3 यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या इंटू हो जाएगा इस पूरे के साथ 45, आ रहे समझ में अच्छे से, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है ना 2x + 3/3, यानी 3 यहाँ पे क्या, ये डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है डिवाइड वाला जब उस साइड जाता है, दूसरे साइड जाता है, RHS में जाता है या LHS में जाता है, तो उसका साइन बदल जाता है, तो ये डिवाइड है तो ये पूरे के साथ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और ये 15 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, राइट, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 2 कितना होता है 30 होगा, यहाँ पे x था तो x लगाएंगे यहाँ पे, 15 प्लस है बीच में, प्लस 15 3 कितना होगा 45, अब 3 7 21, यहाँ पे x है तो x होगा, प्लस नाउ 3 5 15 1 3 4 12 13 15 1 3 4 12 13, ओके अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स देखो 30x - 21x = यहाँ पे 135 बचा हुआ है 35, एंड यहाँ पे जो 45 है वो प्लस में है, तो उस साइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में, नहीं यहाँ तक हो जाएगा, सो 30 - 21 कितना होगा 9x =
135 माइनस 45 कितना होगा, 5 माइनस 5 0 एंड दिस वन विल बी 9, 9 सो 90 होगा, सो द आंसर विल बी 90, तो 9x इक्वल्स टू 90, तो बाकी का यहां पे करते हैं इस साइड, ठीक है यहां तक अच्छे से समझ में आया, 9x इक्वल्स टू 90 आया, तो अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं 90 बाय 9 कटेंगे 9 9 9 10 90, तो x x का वैल्यू क्या आया 10, x का वैल्यू जैसे ही 10 आया हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में और देखते सही है कि नहीं, नाउ पुट x इक्वल्स टू 10, ठीक है तो 2x था तो यहां पे लिखेंगे 2x का वैल्यू लेंगे 10 बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 का है, यहां पे 7x है, यहां पे 7x है तो क्या होगा 7 10 प्लस 3 बाय 15, क्लियर है यहां तक, क्लियर है आप इसको देखो 2 10 कितना 20 होगा, 20 बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 70 प्लस 3 बाय 15, तो इसका एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 3 1 3 तो 120 इज़ 20 होगा प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 3 इज़ 3 होता 3 1 3 होगा इक्वल्स टू 73 बाय 15, ठीक है तो इसमें कुछ गड़बड़ हो, ओके तो 70 प्लस प्लस यहाँ पे कितना था 3 था, ठीक है 77x by 15 plus 3 था तो वो यहाँ पे ये वाला सीधा नहीं है 15 है, ठीक है तो LCM हो गया 15, अब 15 वन से कितना होता 15 वन से 15 तो 1 को इंटू करेंगे 70 से 70 प्लस, अब 1 को यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 को किससे इंटू करेंगे 15 से करेंगे तभी 15 आएगा तो 15 इंटू 3 हाउ मच 45, 45 आया यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23 बाय 3 इक्वल्स टू 70 प्लस 45 कितना होगा इसमें 5 एंड दिस वन विल बी 11 बाय 15, यहाँ तक हो गया क्लियर है, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे मिटा के ये वाला मिटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है जिन्होंने नोट नहीं किया वीडियो को फिर से वापस देख के जहां से शुरुआत किया था तो वहां से नोट करके बाकी का आप कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे 23 बाय 3 आया है, 23 बाय 3 इक्वल्स टू 115 बाय 15 आया, अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी देखो 23 बाय 3 तो नहीं जाने वाला इक्वल्स टू ये कितना होगा 15, 15 को क्या कर सकते हैं हम लोग 3 5 5 3 जा 15 हो सकता है ना, 5 3 जा 15 होता है, अब 5 2 जा 10 होगा, यहाँ पे 11 है 10 कर दिया तो 1 कैरी होगा, तो 1 कैरी हो गया तो ये 15 हो गया है ना, तो 5 3 जा 15 यानी कितना आंसर आया 23 बाय 3 है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे LHS और RHS का वैल्यू क्या है सेम है राइट, तो क्या होगा देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS Hence proved, verified, ठीक है? तो हम लोग का जो x का वैल्यू आया था क्या आया था 10 आया था वो सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, अभी हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और ध्यान रखना ये देखो इसमें प्लस और माइनस स्पेशली इसमें ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन बना होता है, देखो यहाँ पे छोटा सा ये गलती हो गया था तो पूरा ये गलत हो जाता है राइट, तो अच्छे से इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से देना, स्पेशली जब करोगे इस वाले जब फ्रैक्शन में आएगा तब तो इसको देखना ही देखना है अच्छे से, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना है तुम्हें अच्छे से वो करना है, उसके अलावा जब तुम्हारा आंसर हो जाएगा तुम ये देखना तुम्हारा सबसे पहले प्लस माइनस 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 प्लस ये सब सही है कि नहीं, उसके बाद क्या देखना है आंसर किस में आएगा, सबसे पहले देखना है प्लस अगर माइनस है, सपोज कोई ऐसा है प्लस 7 है तो देखना है प्लस माइनस माइनस तुमने प्लस माइनस माइनस करके ये 4 आया कि नहीं, आने के बाद तुम देखना साइन इसका प्रॉपर है कि नहीं, मतलब ये माइनस अगर ज्यादा है तो माइनस में आना चाहिए, अगर ग्रेटर पॉजिटिव है प्लस है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो ये दो चीज एक हैबिट बना लेना चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम करोगे, ठीक है तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें क्या दिया हुआ है 2y plus 5 by 3 equals to 26 by 3 minus y, ओके तो इसमें
देखो ये सीधा तो यह प्लस होगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 3 इज 3 होता है, 1 3 इज हाँ 3, तो 3 को इंटू करेंगे इसके साथ, न्यूमिनेटर के साथ 3 2 इज 6 हुआ प्लस है, तो 3 को किसके साथ इंटू करने से 3 ऑब्वियसली 1, तो 1 को इंटू करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, 1 5 इज 5 हो गया खत्म। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं क्या होगा 3 होगा, तो 3 1 से 3, तो 1 को इंटू करेंगे 26 के साथ, तो 26 1 से 26 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो 1 है, तो 1 3 जा 3 होता है, 3 को इंटू करेंगे y के साथ, तो 3 y जा कितना 3 y होगा, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई y 3 y। ओके सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अभी क्या करेंगे देखो, अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, सो वी कैन नॉट एड दिस टू टर्म्स, ओके, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो एड और सम होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड को इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या होगा इंटू होगा, ये डिवाइड इस साइड आएंगे तो ये क्या होगा इस पूरे के साथ इंटू इंटू होगा, राइट। तो ये 6y बाय प्लस 5 इक्वल टू ये 3 इस साइड जाएगा, 3 26 माइनस 3y, फिनिश, यहां तक खत्म। अब देख वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ गया है ना, तो इसमें क्या है 3 6 18, 18y प्लस 3 5 15, ठीक है। अब देखो प्लस कभी अगर यहाँ बाई चांस यहाँ पे माइनस आया ना ये, ठीक है, कभी दूसरा क्वेश्चन अगर माइनस, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस क्या यहाँ पे माइनस हुआ, राइट, तो उसको अच्छे से देखना है। तो अभी क्या होगा 3 इंटू 26 कितना हुआ, 3 6 18, 1 3 2 6 7 78, 3 8 sorry 3 6 18, 3 2 6 7 माइनस 3 3 इज 9y खत्म। सो 18, अब देखो लाइक टर्म्स आ गया, तो 18y और 9y इन दोनों को हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 18y अभी 9 माइनस 9y है तो नेगेटिव में, तो इस साइड का पॉजिटिव में होगा, प्लस 9y इक्वल्स टू 78 माइनस प्लस 15 है, तो उस साइड क्या होगा माइनस बन जाएगा, माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इक्वल्स टू 18y प्लस 9 कितना होगा 27 27y, ठीक है, अच्छे से प्लस करके देख लेना, ठीक है, हाँ ओके, इक्वल्स टू 78 माइनस 5 कितना, माइनस 15, तो कितना होगा 8 माइनस 5 विल बी 3 एंड 7 माइनस 1 इट विल बी 6 एंड इंप्लाइज y इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, सो इस साइड में क्या होगा इट विल बी मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, 63 by 27, सो 27 और यहाँ पे कितना 63, तो दोनों जाएगा किसमें जाएगा 7 3 जा सॉरी सॉरी 3 3 9 27 3 2 6 3 1 3 2 3 9 7 by 3, ठीक है, 7 by 3 आया आंसर, राइट। तो इसको सीधा 9 से भी कर सकते थे, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे नंबर से सिंप्लीफाई कर दिया, और एल्स आप सीधा 9 से भी कर सकते हो, 9 7 7 63 9 3 20 20 27, ओके। तो यहाँ पे वी हैव द वैल्यू ऑफ y, y इक्वल्स टू 7 by 3, तो अभी यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, नाउ पुट चेक करेंगे रिजल्ट सही है कि नहीं, पुट नाउ पुट y इक्वल्स टू 7 by 3 करेक्ट, तो यहाँ पे क्या था 2y, ऐसे करेक्ट तो उसमें पार्ट, तो y का वैल्यू लेंगे दैट इंप्लाइज y का वैल्यू लेंगे 7 by 3, बस कुछ नहीं है आप इक्वेशन में पुट कर दो, जहां जहां y का वैल्यू y है उसमें वैल्यू पुट कर दो और चेक करो सेम आया कि नहीं, कौन सा सेम, LHS और RHS सेम हुआ कि नहीं, राइट। आई होप यहां तक तो आपको अच्छे से, बहुत अपने 9 तक अगर अच्छे से कर लिया तो समझ में पूरा आ गया है आपको, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, बट प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। देखो इन दोनों इंटू हो रहा है, 2 7 14 होगा बाय 3 करेक्ट, 5 बाय 3। अब कुछ बच्चे पूछते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर 2 इसके साथ है, सिर्फ 2 है और ये 7 बाई 3 है, तो इंटू करें किससे, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, नीचे सोच लो यहाँ पे 1 है, तो ऊपर वाले ऊपर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 2 7 14 1 3 3, ठीक है, ऐसे समझ लो इक्वल्स टू कितना होगा, इसमें तो एलसीएम मिल ही रहा है भाई, फिर भी मैं लिख देता हूँ जो कि यहाँ पे लिख किया इस साइड में, तो 3 बाय 26 बाय 3 7 बाय 3, ओके। तो यहाँ पे एलसीएम तो हो जाएगा 3, कॉमन कॉमन है, तो 14 प्लस 5 कितना होगा 19 इक्वल्स टू 3 कॉमन है, अब 26 माइनस 7 कितना होगा इसमें 19,
ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। देन वी कैन से दैट देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, राइट? दैट मींस द वैल्यू ऑफ y 7/3 इज करेक्ट। हम लोग का आंसर क्या है? करेक्ट है। तो आई होप यहां तक 1 से लेकर 9 तक अच्छे से समझ में आ गया है आपको। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एक बार बिना देख के ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? फिर से 1 से एक बार बिना देख के उसको खुद प्रैक्टिस करो, फिर देखो कहाँ कहाँ गलतियाँ आ रही, ठीक है? और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर करते हो आप तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसका 1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस वर्क है, आप घर में करने, क्योंकि एकदम सेम है, ऐसा ही है जी, जो जो हम लोग ने अभी फॉर्मेट में किया है ना, जो जो इक्वेशन सॉल्व के, सब एग्जैक्टली वैसा ही है 10 वाला। तो एक बार जरूर ट्राई करना खुद से, फिर भी दिक्कत आता है तो मुझे जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा। उसके लिए स्पेशल सिर्फ 10 का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए ट्राई करो होमवर्क, ठीक है? और उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आई होप यहाँ तक जो 2.1 था अच्छे से क्लियर हो गया, उसके बाद 2.2 करने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।